सबसे पहले तो हम अपना बैकग्राउंड ओपन कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे हम ऐड फोटो में। मैं अपना ये वाला मॉडल ले लूँगा, इसके अपना फ़ोटो ऐसे ले लूँगा। ये पूरा मैच नहीं कर रहा है, पूरा बैकग्राउंड पे मैच नहीं कर रहा है, तो इसको मैं मैच कर दूँगा। तो इसको ऐसे रखना है, और इसके शेडो भी आ जाना है, और शेडो को ऑपसिटी इसकी रखनी है। थर्टी फाइव ज़ीरो पे रखना है, और ये पोजीशन ये भी ज़ीरो पे रखनी है। इसको थोड़ा ऊपर चार पे कर लेना, और एजेस में जाके इसकी ऑपसिटी को थोड़ा बढ़ा लेना। इसको यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद हमको जाना है एफएक्स में। एफएक्स में जाके इसको हमें मैच करवा लेना है पूरे फोटो को। तो इसको सबसे पहले तो हम इसकी सेचुरेशन को बढ़ाएंगे। सेचुरेशन को इतना 60 पे रख के इसको यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद टूल्स में जाएंगे, टूल्स में एजेस में जाएंगे, और ब्राइटनेस को थोड़ा हम बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाएंगे, और क्लियरिटी को थोड़ा बढ़ा लेंगे हम 6 पे कर लेंगे। और ये टेम्परेचर पे आ जाना है, ये ब्लू टोन और ये वार्म टोन। इसको वार्म टोन पे ले जाके हमको 50 के आसपास कर लेना है इसको। और शेडो पे हमको शेडो को थोड़ा माइनस में कर लेना है, 22 पे कर लूँगा मैं। और हाईलाइट को हमें थोड़ा बढ़ा लेना है, 15 पे कर लेना है। यहाँ से इसको डन कर लेना है, और ये पूरा फोटो मैच कर गया है इसके बैकग्राउंड के ऊपर। और फिर से हम टूल्स में जाएंगे, इसके बाल को हमें थोड़ा बढ़ाना होगा यहाँ पे। तो वाम पे आके इसकी साइज़ हम देख लेंगे 56, और पावर हमको 60 के ऊपर रख लेना है। इसको ऐसे ऊपर ड्रैग कर लिया है, इसको यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद हम इसको ऐसे ड्रॉ टूल में जाके इसको हम पहले तो सेव कर लेंगे इसको। और फिर से वापस आ जाना है मेन्यू पे, और इसको हमें यहाँ शेप मास्क पे जाना है और ड्रैग करना है। तो ये वाला फिल्टर मिलेगा हमको, इसकी ऑपसिटी 100 पे कर देनी है। इस पर टच करना है, इसको ऐसे ड्रैग करके अपने फ़ोटो पे कर लेना है इसको। अपन को कितना फ़ोटो चाहिए, और यहाँ जो ऊपर नाक के ऊपर आ रही है उसको हम इरेज कर लेंगे ऐसे करके इरेजर पे जाके। और इसका कलर हमें ब्लैक कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर लिया, इसको यहाँ से डन कर दूँगा मैं। डन करने के बाद इसको भी मैं सेव कर लूँगा। और सेव करने के बाद हम वापस मेन्यू में आ जाएंगे। मेन्यू में आके हमको जो पहले फ़ोटो सेव किया था उसको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन करना है उसको, तो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने इस फ़ोटो को ओपन कर लिया वापस से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। सबसे पहले तो हम जाएंगे इसके इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, और ये इफ़ेक्ट्स में जाके हमको लास्ट में जाना है ड्रैग करते हुए। और हमें यहाँ पर एक फिल्टर मिलेगा शार्पन करके, इसको हमें शार्प करना पड़ेगा थोड़ा फ़ोटो। इसको हम 40 पे रखते हैं, और इरेजर टूल्स में जाएंगे, और इसको यहाँ पे ये पर्सन दिख रहा है उस पर टच करेंगे तो हमारे फ़ोटो पे पूरा ड्रॉ हो जाएगा ये शार्पिंग। और तब भी ना हो तो इसको इन्वर्ट करना तो ये हो जाएगा। इसको यहाँ से हम डन करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे वापस से मेन्यू में आ जाएंगे। उसके बाद हम वो वाला फ़ोटो इस पर ऐड करेंगे जो हमने सेव किया था, ये वाला। इसको हमें ऐसे बड़ा कर लेना, इसकी ब्लेंडिंग मोड हमें रखनी है, स्क्रीन कर देनी है, और इसको ऐसे रख देना है पूरे फ़ोटो पे ऐसे करके इसको रख देना है। और फिर से हम ये वाला लेंगे, इसको हम फिर से अपने शर्ट पे रख लेंगे नीचे जो फ़ोटो इस पर, इसकी ब्लेंडिंग मोड हमें स्क्रीन कर देनी है।
ये कर दिया, इसको यहाँ से हम डन करेंगे। डन करने के बाद हमें वापस से ऐड फोटो में जाएंगे और ये कलर्स वाली पीएनजी मैं दूंगा, वो आपको ऐसे लगा देनी है तो पूरे फोटो पे मैच हो जाएगा। इसका लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। सभी बैकग्राउंड और लिंक की आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। इसको हम रखेंगे और इसके ऑपसिटी को हम डाउन कर देंगे, तो यहाँ से डन करेंगे तो हमारा फ़ोटो यहाँ पर बनकर तैयार है। तो आपको फ़ोटो कैसा लगा तो लाइक करके बताना और कमेंट में बताना कि फ़ोटो कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो इसको हमें सेव कर लेना यहाँ पे जाके, सेव फ़ोटो पे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।